प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन कर रहे हैं कोलकाता मेट्रो के एक अहम हिस्से को। कोलकाता मेट्रो एस्प्लेनेड से लेकर के और हावड़ा तक, खास तौर से महाकरण और हावड़ा के बीच में हुगली नदी के नीचे एक टनल बनी है, उसका लोकार्पण कर रहे हैं और साथ में एस्प्लेनेड में बने इस मेट्रो स्टेशन का भी लोकार्पण कर रहे हैं और यहाँ से महाकरण तक जाने वाली जो नई लाइन है उसका लोकार्पण कर रहे हैं। ये एक नया मेट्रो स्टेशन है और ये मेट्रो स्टेशन दरअसल जिस तरह से दिल्ली में यमुना बैंक है या राजीव चौक है जहाँ पर अलग अलग मेट्रो लाइन को इंटरचेंज करते हैं, वैसी ही ये एस्प्लेनेड का मेट्रो स्टेशन है जहाँ से लोग इंटरचेंज कर सकेंगे। हम जो उदय रेड्डी हैं मेट्रो कोलकाता के जीएम, उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि कोलकाता मेट्रो कितना बड़ा है, कितना विशाल है और ये कितना चुनौतीपूर्ण था हुगली के नीचे टनल बनाना। सर, ये जो नई लाइन है ये पहले कितनी थी, अब कितना पोर्शन नया शुरू हो रहा है, क्या नया हो रहा है जिसे प्रधानमंत्री इनॉग्रेट कर रहे हैं? ये इसकी महत्व ये ही है कि माँ गंगा के नीचे हम लोग टनल करके हावड़ा और कलकत्ता, दो ट्विन सिटी है, उसको मिलाए हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बाकी सब जो मेट्रो जो नॉर्मल है वो अंडरग्राउंड मेट्रो और ओवरग्राउंड मेट्रो जो है वो तो नॉर्मल है ही है, बट द मोस्ट इसकी जो खासियत वही है कि जो है दिस इज बीनीथ द गंगा। तो इसमें जो टनल बनी है गंगा के नीचे उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये काफ़ी टफ काम होगा, कैसे ये किया गया है, कितनी बड़ी है ये, और सबसे बड़ी बात कि ये जो इतना टफ काम है वो कैसे हुआ है? ये देखिए, एक आप जो है किसी भी टनलिंग का चेक करते हैं देन हर एक वो कम्प्लीटली सॉइल की सबस्ट्रेटा का जो है आप टेस्टिंग करते हैं, पहले टेस्ट करके जगह जगह पर उसके सैंपल्स लेते हैं और उसके बाद उसकी आप टनलिंग करते हैं। तो ये इस टनल करते वक्त हम लोग को और ज़्यादा ध्यान देना पड़ा कि जो है हमारी सैम्पलिंग जो है काफ़ी अच्छा रहे और काफ़ी पहले जनरली हम लोग थोड़ा दूर दूर पे करते हैं, इसमें नज़दीक नज़दीक पे कर रहे थे क्योंकि जो है वी गेट ए प्रॉपर आइडिया ऑफ द एंटायर सबस्ट्रेटा, उसको कर वो किया था। देन उसके बाद जो है नॉर्मल टनलिंग, नॉर्मल लैंड पे जो हम टनलिंग करते हैं वी डू नॉट हैव सो मच ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ वाटर इंग्रेस। यहाँ पर वाटर इंग्रेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस थी, तो वी हैड टू बी वेरी केयरफुल इन डूइंग दैट टनलिंग सिस्टम। और ये हम लोग को जब से स्टार्ट हुआ एंड हुआ, स्पेशली द अंडर वाटर, उसमें वी डिड नॉट गिव एनी ब्रेक। जनरली हम लोग आराम करने के लिए वी हैव ए ब्रेक, इतने घंटे काम करने उसके बाद ब्रेक, बट दिस टनलिंग वेंट कंटिन्यूअसली और विदाउट ए ब्रेक और शिफ्ट पे शिफ्ट हम लोग काम करके इसको पूरा कर दिया था। ये करीबन टोटली 66 डेज में हुआ है ये, क्योंकि जो है नॉर्मली हम लोग को 3-4-5 महीना लग जाते हैं, बट लेकिन हम लोग अगर छोड़ देते फिर सील खराब हो जाती तो फिर वाटर इंग्रेस होता है, तो हम लोग किसी चांस नहीं लिए एंड इसके लिए जो है पूरा प्रेशर पे जो है काम किया एंड वी हैड पॉजिटिव प्रेशर देना पड़ा वहाँ पे, नॉट इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर ऑन द मैन पावर, इट इज़ अ पॉजिटिव प्रेशर इन द टनलिंग सिस्टम सो दैट द लीकेजेस डू नॉट हैपन एंड पूरा उसको पूरा खत्म किया। तो ये जो चुनौतियाँ हैं वो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी इस पूरी प्रोजेक्ट में? इस प्रोजेक्ट में जो है जैसे मैंने कहा कि जो है आप अंडर द रिवर कर रहे हैं तो देयर वाज ऑलवेज अ चांस ऑफ वाटर इंग्रेस, दैट इज द मेजर चैलेंज। और इसकी जो स्ट्रैटा जो है हमारी, ये डेल्टा रीजन है, सदियों से जो है गंगा यहाँ पर बहती आ रही है और पूरी हिमालय से लेकर जो है ये यहाँ पर आकर सेटलमेंट डिपॉजिट्स करती गई है। जो द स्ट्रेटा जो हम लोग का है, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल स्ट्रेटा व्हिच यू फाइंड इन ए नॉर्मल ड्राई ग्राउंड एनीवेयर, ये पूरी खतरनाक ये है, इट्स कैन एनीथिंग कैन हैपन, कहीं कहीं पर वाटर पॉकेट्स मिल जाएंगे, कहीं पर ये हो जाएंगे, तो ये सब को बचा कर जो है हम लोग ने जो वी डिड प्रॉपर सैम्पलिंग कर वी गॉट डिड दिस। इसमें जो आप बता रहे हैं कि पोरस भी होता है और ऐसी सारी चीज़ें,
तो उसको रोकने के लिए, उससे बचाने के लिए लंबे समय तक या कहिए कि हमेशा के लिए ये टनल सुरक्षित रहे, इसके लिए उपाय क्या किए गए हैं, किन चीज़ों से बनाया गया है और ऐसा क्या किया गया है कि ऐसी पोरस ज़मीन पे भी ये टनल टिकी रहेगी? ये देखिए, जो टनल बनती है उसकी डिज़ाइन होती है, ये देखते हैं कि कितनी प्रेशर उसकी जो है चारों बगल से आती है, उस प्रेशर को विथस्टैंड करने की डिज़ाइन होती है। वो एक बार डिज़ाइन कर लिया और एक बार आपने टनल बना दी, उसके बाद जो है आपकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ द स्टैंडर्ड थिंग, ये हो जाती है। बट इट इज़ द ओनली इन द डिज़ाइन स्टेज ओनली यू हैव टू डिसाइड कि एक कैसा, एक बार बन गया तो जो है इट इज़ अ डेंजरस थिंग, सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं, एक बन गया दैट इज़ द एंड, दैट्स फॉर लाइफ, फॉर 100 years इट इज़ गोइंग टू बी देयर। जो लोग थोड़ा सा जानकार हैं या समझना चाहते हैं उनके लिए बताइए कि क्या खास है इस डिज़ाइन में, क्या करना पड़ा, क्या मुश्किलात थी और इस डिज़ाइन में क्या खास करना पड़ा? नहीं, इसमें यही चीज़ बताया था ना आपको कि हमारी ये जो सैम्पलिंग ढंग से हुई और सैम्पलिंग नज़दीक ज़्यादा सैम्पल्स ली गई। दूसरी चीज़ जो है हम लोग ये किए कि जो है कंटिन्यूस वर्किंग किए, और जो टनल बोरिंग मशीन है उसकी जो सील्स और ये जो है हम लोग ने वी एंश्योर दैट दे आर परफेक्ट एंड नो नथिंग शुड कम, नो प्रॉब्लम शुड कम इन दैट वे। तो हम लोग इससे प्लानिंग कर कर जो है उसको पॉजिटिव प्रेशर देके उसको पूरी टनलिंग फटाफट कर लिए थे। ये 520 मीटर की टनल है जो प्रधानमंत्री इनॉग्रेट कर रहे हैं, उसमें इस टनल के अलावा और क्या कुछ है? नहीं, प्रधानमंत्री जो अभी कल जो इनॉग्रेट कर रहे हैं वो एक है हावड़ा मैदान से जो है एस्प्लेनेड तक का जो है ग्रीन लाइन जो है कर रहे हैं, इनॉग्रेट कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड गेज की लाइन है। और इसके अलावा और दो और सेक्शंस जो हमारी जो पर्पल लाइन है और हमारी ऑरेंज लाइन है, ये दोनों को भी इनॉग्रेट कर रहे हैं। ऑरेंज लाइन है हमारी कवि सुभाष, दैट इज़ नया न्यू गरिया से एयरपोर्ट वाली लाइन है, उसकी हम लोग एक सेक्शन रेडी कर लिए हैं, उसकी इनॉग्रेशन हो रही है। और एक जो है पर्पल लाइन दैट इज़ जोका टू एस्टिमेट का है, उसकी एक स्ट्रेच तारातल्ला से माजरहाट तक दैट इज़ रूबी के जो है हम लोग इनॉग्रेट कर रहे हैं। अब ये कोलकाता मेट्रो है, ये कितनी बड़ी हो गई, इसका आकार क्या है, अगर इसको कोई बाहरी व्यक्ति समझना चाहे कि कलकत्ता में मेट्रो कितनी बड़ी है, तो उसको आप कैसे समझाएंगे? हम ये कहेंगे कि कलकत्ता में दो मेजर रूट हैं, एक है नॉर्थ साउथ, दक्षिणेश्वर से लेकर न्यू गरिया तक, दैट इज़ कवि सुभाष तक, वो करीबन 32 किलोमीटर की है। और ये ईस्ट वेस्ट लाइन है जो ग्रीन लाइन है, वो हावड़ा मैदान से लेकर साल्ट लेक स्टेडियम तक है। और ये इसमें जो है बीच वाला एस्प्लेनेड टू सियालदह अभी नहीं बनी है, वो बनेगी और वो बन जाएगी। तो दीज आर द टू मेजर लाइंस। इसके अलावा एक लाइन जो है हमारी जोका से लेकर एस्प्लेनेड तक जानी है, उसको जोका से माजरहाट तक हम लोग कर लिए हैं। और एक लाइन है हमारी जो कवि सुभाष से एयरपोर्ट जानी है ऑरेंज लाइन, उसको कवि सुभाष से हेमंत मुखर्जी तक हम लोग कर लिए हैं। वो पूरा जो है एयरपोर्ट लाइन जो बनेगी करीबन 25 दिसंबर तक हो जाएगी। और एक लाइन जो है हमारी है येलो लाइन, वो नौपारा से फिर एयरपोर्ट डमडम तक जानी है, उसकी जो है एयरपोर्ट से डमडम नौपारा से डमडम कैंट कल रात को हम लोग ने उसकी ट्रायल शुरू कर दिए हैं, वो इस महीने के अंत तक हम लोग को, यानी एस्प्लेनेड से होते हुए दमदम तक तो पहले भी जाती थी मेट्रो, अब ये दूसरा रूट है दमदम का। हाँ, ये नहीं, दूसरा रूट नहीं है, ये जो है अभी जो इस अभी जो आज की जो कल की जो इनॉग्रेशन है वो हावड़ा से एस्प्लेनेड आ जाए और एस्प्लेनेड से फिर जो है वो डमडम जाए या यहाँ से, वो ये इंटरचेंज पॉइंट है बिटवीन ब्लू लाइन एंड ग्रीन लाइन। तो कुल कितने स्टेशन अब लगभग हैं मेट्रो में कलकत्ता की? ये तो 17 स्टेशन वहाँ पर हैं और यहाँ पर जो है 17 प्लस 12 करीबन 30-31 स्टेशन है। तो जो कोलकाता मेट्रो है ये इतनी बड़ी है मेट्रो है और देश की सबसे पुरानी मेट्रो है, तो एक आम व्यक्ति जो देख रहा है उसको आप कैसे बताएंगे कि
कोलकाता मेट्रो कितने लोगों को रोज सर्व करती है और इसका जो महत्व है कोलकाता के ट्रैफिक में वो कैसे? आप ये देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ साउथ लाइन जो ब्लू लाइन है हमारी, डेली हमारी राइडरशिप करीबन 5.5 लाख है। और जैसा जैसा पूजा आप जानते हैं कलकत्ता के पूजा के महत्व जो है, तो पूजा के दिन जो है ये जो है राइडरशिप करीबन 8 लाख पर डे भी चला गया है। और ये तो नॉर्मल हुई। और ये नॉर्थ साउथ लाइन, ईस्ट वेस्ट लाइन जो अभी जो इनॉग्रेशन हो रही है, एक बार सियालदा से जुड़ जाए, जो बीच वाला 2-2.5 किलोमीटर की और बाकी है वो भी ख़त्म हो जाए, तो एक बार जुड़ जाने से इसकी राइडरशिप जो है ये नॉर्थ साउथ लाइन से बढ़ जाएगी। हमारी पूरी राइडरशिप जो है करीबन 10-12 लाख तक पहुँच जाएगी। जी हम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना एक बार परिचय भी दे दें। मैं उदय रेड्डी हूँ, मैं जनरल मैनेजर मेट्रो रेलवे का। हमें समय कोलकाता के एस्प्लेनेड में नए बने मेट्रो स्टेशन पर खड़े हैं, जहां पर एक मॉडल रखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस टनल का हुगली नदी के नीचे की जो जिस टनल का इनॉग्रेशन कर रहे हैं उसका ये मॉडल रखा हुआ है। सबसे पहले आप देखिए हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज से आपको पहचान होगी, यहाँ हावड़ा ब्रिज और उसके नीचे हुगली नदी बह रही है। ये जो हुगली नदी है उसके रिवर बेड के 16 मीटर नीचे ये टनल बनी हुई है। और इस टनल पर बात करने के लिए हमारे साथ अनिल कुमार खंडेलवाल जी हैं, जो कि रेलवे बोर्ड के इंफ्रा मेंबर हैं। सर, कितना चुनौतीपूर्ण था ये और आम आदमी कैसे समझे इस प्रोजेक्ट को? टनलिंग करना हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है और हमने इंडियन रेलवेज ने अभी काफ़ी टनलिंग के काम किए हैं, USBRL, ऋषिकेश कर्णप्रयाग और अब ये हुगली नदी के नीचे, गंगा के नीचे आपने देखा है। जब हम नदी के नीचे टनलिंग की बात करते हैं तो ये टनलिंग का काम सेम तरह से होता है जैसा कि बाकी जगह टनलिंग का काम हुआ है। इसमें जो हमारा रिवर बेड होता है, बेड है, उसमें हम सॉइल एक्सप्लोरेशन करते हैं, बार्ज वगैरह ले जाके देखते हैं कहाँ पर सॉइल अच्छी है जहाँ टनल किया जा सकता है। उसको लेवल को फिक्स करने के बाद 2 टनल बोरिंग मशीन लाई, उनको एक एंड से हम टनलिंग शुरू करते हैं और फिर पानी के नीचे चले जाते हैं। तो ऐसा पानी के में नहीं होता ये टनल, पानी के नीचे ज़मीन में होता है, लेकिन वो ज़मीन उतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी बाहर होती है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा केयर ली जाती हैं जिससे कि लीकेज और सीपेजेज ना हो। तो उसी तरह से 2 टनल बोरिंग मशीन से ये टनलिंग का काम किया गया, दिन रात 3 शिफ्ट में काम करके 66 दिन में इस टनलिंग को, इस लेंथ को 520 मीटर को पूरा किया गया। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये टनल रेडी है और ट्रेन चलने के लिए तैयार है। इसमें जो फ़ायदा होगा वो आपने देखा कि पहले हावड़ा ब्रिज में बहुत ट्रैफिक जाम रहता था, आपको कलकत्ता से हावड़ा जाना है तो घंटों लग जाते थे। अब इस टनल के द्वारा नदी को क्रॉस करने में केवल मात्र 45 सेकंड लगेंगे और एस्प्लेनेड से हावड़ा जाने में 6 मिनट का टाइम लगेगा, जो पहले लगभग 1.5 से 2 घंटा लग जाता था ट्रैफिक जाम में। यानी सबसे ज़्यादा समय तो इस टनल से ही बचेगा, क्योंकि हावड़ा ऊपर से जब जाते थे तो काफ़ी समय लगता था ब्रिज के ऊपर जाने में। हाँ, और आप नीचे से जाएंगे मेट्रो से, सिर्फ 45 सेकंड में पार हो जाएंगे, 45 सेकंड में नदी पार हो जाएगी और एस्प्लेनेड से हावड़ा स्टेशन आप 6 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो दर्शकों के लिए बता दें कि ये एस्प्लेनेड है, ये एस्प्लेनेड का हिस्सा है, ये एस्प्लेनेड है कलकत्ता का पोर्शन, वो हावड़ा है। तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए पहले इस रोड से हम जब क्रॉस करते थे तो घंटों ट्रैफिक जाम में फंसते थे, अब आप यहाँ से मेट्रो में बैठेंगे 6 मिनट में स्टेशन पहुँच जाएंगे। और जो हावड़ा स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन पर ही मेट्रो खुलती है? हाँ, रेलवे स्टेशन पर ही मेट्रो का प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 17 पर। इस तरीके से ये जो प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेट कर रहे हैं टनल का, इसके साथ साथ और क्या नया है जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री कर रहे हैं? टोटल 7 मेट्रो प्रोजेक्ट का लोकार्पण हो रहा है, 3 कलकत्ता में है और 4 देश के विभिन्न भागों में है, तो 7 प्रोजेक्ट का यहाँ से लोकार्पण होगा। तो इस टनल के अलावा इस मेट्रो स्टेशन का भी लोकार्पण हो रहा है? यस यस, पूरे सिस्टम का, ट्रेन जितना हिस्सा लोकार्पण हो रहा है उसमें ट्रेन में क्या क्या, उसमें ट्रेन चलेंगी और साथ में स्टेशंस का लोकार्पण होगा, दोनों चीजें एक साथ चलेंगी, तो अभी आपको बताया जाएगा। कोलकाता में सिर्फ ये नया मेट्रो स्टेशन शुरू हो रहा है या और भी हैं जो? 3 जगह पर शुरू हो रहे हैं, 3 स्टेशन है अपने जी, कोई बात नहीं। तो वो 3 स्टेशन
कल लोकार्पित होंगे, उसके बाद कल से ही मेट्रो चलनी शुरू हो जाएंगे, ट्रेन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो कि देश के लिए गौरव का क्षण भी है। अनिल कुमार खंडेलवाल जी हमारे साथ मेंबर इंफ्रा हैं रेलवे बोर्ड में, इस समय हम लोग नई मेट्रो में हैं। सर ये आज एकदम नई मेट्रो है, प्रधानमंत्री इसी मेट्रो का लोकार्पण कर रहे हैं और साथ में टनल का। हाँ, ये मेट्रो ट्रेन कल से इस सेक्शन में शुरू होगी, कलकत्ता एस्प्लेनेड से हावड़ा मैदान। जब यहाँ से चलेगी तो ये ट्रेन इस दूरी को केवल 6 मिनट में कवर करेगी। वैसे अमूमन ये दूरी तय करने में जब कोई भी ट्रैफिक ना हो तो अभी लगभग आधा घंटे का समय लगता है, और जनरली जब ट्रैफिक होता है तो 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म होने के बाद कलकत्ता वासियों के लिए एक सौगात होगी, जिससे उनका काफ़ी समय बचेगा और वो अपनी यात्रा सुगमता से कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था जो काफ़ी समय से जिसकी कलकत्ता को इंतज़ार था, और आज वो समय आ गया है कि जब हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करके और ट्रेन चालू करने का के लिए तैयार हैं। तो ये हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, जो मेट्रो स्टेशन का कौन कौन से हैं इसको समझाइए। ये साल्ट लेक से चलता है और सेंट्रल पार्क, सिटी सेंटर, ये सभी स्टेशनों को कवर करता हुआ आप यहाँ देखेंगे एस्प्लेनेड है। एस्प्लेनेड से ब्लू लाइन अब पार्क स्ट्रीट और इधर चांदनी चौक की तरफ जाती है, और ये यहाँ से हावड़ा, तो ये वाला यात्रा भी हम कर रहे हैं। यानी अभी तक सिर्फ यहीं तक आती थी एस्प्लेनेड तक, इससे आगे नहीं जाती। हाँ, अभी ये ट्रेन आगे जाने लगी। तो आप इसको ऐसे समझिए, साल्ट लेक है जो कि एयरपोर्ट के पास पड़ता है, और यहाँ से मेट्रो शुरू होती है। इन सारे जो स्टेशन से यहाँ होते हुए एस्प्लेनेड तक आती थी, अब एस्प्लेनेड से आगे का जो पोर्शन है इसको प्रधानमंत्री लोकार्पित कर रहे हैं। ये एस्प्लेनेड पर बना हुआ नया स्टेशन है जहाँ से हम मेट्रो में सवार हुए हैं और ये मेट्रो चल पड़ी है, और ये एस्प्लेनेड से आगे महाकरण जाएगी, महाकरण से आगे हावड़ा जाएगी, और हावड़ा के बाद हावड़ा मैदान मेट्रो जाएगी। तो ये 6 मिनट में, यानी एस्प्लेनेड से लेकर के हावड़ा मैदान मेट्रो तक 6 मिनट में ये दूरी तय हो जाएगी। तो सर ये हुगली का जो पोर्शन है वो यहाँ से यहाँ तक के बीच में है, यानी एस्प्लेनेड से महाकरण के बीच में जो है। आपको जब हम ट्रेन में ट्रेवल करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि हम नदी के नीचे से जा रहे हैं या ऊपर से जा रहे हैं, क्योंकि टनल के बनाने के बाद उसकी लाइनिंग हो जाती है। इस समय हम टनल के भीतर अभी आने वाले हैं, तो इसमें लाइनिंग हो जाती है और फिर उसके बाद साधारण टनल या नदी के नीचे वाला टनल एक जैसा ही दिखाई देता है। और तो ये जो टेक्निक है वो है, आप स्टार्टिंग करते हैं टनल नदी के बाहर से, वहां से टनलिंग शुरू करते हैं और स्लोप में आके नीचे जाते हैं और फिर नदी के नीचे से निकल जाते हैं जिस लेवल से निकलना है, आगे जाके फिर आप ऊपर आ जाते हैं नदी के बाहर। सो टनल बनने के बाद वो एक जैसा ही दिखता है, उसमें कोई ऐसा अलग से कोई चीज नहीं दिखता है, कोई अलग से कोई महसूस नहीं होता है। तो अब हम भी इस समय टनल के भीतर बस जाने ही वाले हैं। दिल्ली मेट्रो में हम नई ट्रेनें जब आती थी तो बताते रहे हैं कि कैसी ट्रेन है, आज कोलकाता में नई मेट्रो को बताने का अवसर मिल रहा है। थोड़ा सा आप भी बताइए कि किस तरीके से ये खास है, क्योंकि आप दिल्ली मेट्रो में भी चलते हैं और कोलकाता मेट्रो में आज हम दोनों हैं। मेट्रो कोचेस ये स्टैंडर्ड गेज के कोचेज हैं, दिल्ली मेट्रो और ये दोनों सेम तरह के कोच होते हैं, इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, कैपेसिटी के हिसाब से है। एक ट्रेन लोड में लगभग 2000 लोग इससे ट्रैवल कर सकते हैं, और फास्ट मोड ऑफ ट्रैवल है, सिटी के ट्रैफिक को कंजेशन को कम करता है, और समय पर हम ऑफिस और स्टेशन पहुँच सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है अपने पब्लिक के लिए। तो दर्शकों को हम बता दें, इस समय क्या टनल आ गई है के नीचे से जा रहे हैं, तो इस समय हम टनल के भीतर हैं, यानी हमारे सर के ऊपर 16 से 18 मीटर ऊपर पानी है, हुगली नदी बह रही है, हुगली नदी बह रही है, गंगा नदी बह रही है, हमारे ऊपर 16 मीटर पानी है और हम टनल के थ्रू हावड़ा की तरफ जा रहे हैं। तो आपको भी होगा और मुझे बेहद खास अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैं गंगा किनारे का हूँ और इलाहाबाद से आता हूँ,
और इलाहाबाद में संगम का स्नान करते करते उम्र बीती है और आज गंगा के नीचे ट्रेवल करने का मौका, सूखे में गंगा के नीचे ट्रेवल कर रहे हैं। अगर गंगा पानी में जाना है तो हमें भीगना पड़ता है। यहाँ पे गंगा हमारे ऊपर 16 मीटर बह रही है। तो निश्चित रूप से ऐसे सुखद क्षण में जो इंजीनियर्स हैं और जो लेबर्स हैं उनको ये श्रेय जरूर देना हम चाहेंगे कि उनकी बदौलत हम ये अनोखा चमत्कार देख रहे हैं। और अनोखा न भी हो तो कम से कम देश के लिए गर्व का क्षण तो है ही। डेफिनेटली ये इंजीनियरिंग फैटर्निटी जो इंडिया की है उसके लिए गर्व का क्षण है कि जो पहले पेरिस और लंदन के बीच में अंडर वाटर टनल होता था, आज इंडिया में भी अंडर वाटर टनल हमने बना लिया है। जैसे कि अभी थोड़े समय के बाद आप बुलेट ट्रेन्स भी देखेंगे, तो सभी चीज़ों में इंडिया भी विकसित भारत की तरफ जा रहा है। टनल पार हो चुकी है 45 सेकेंड, आपको पता भी नहीं लगता कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई। अब हम ये महाकरण रेलवे मेट्रो स्टेशन आ गए। हाँ बिल्कुल, तो ये महाकरण मेट्रो स्टेशन है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अगर बात करें तो ये जो मेट्रो स्टेशन शुरू हुआ है, मोदी जी इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं, तो इसे भी मोदी की गारंटी में शामिल किया जाएगा? आप देख ही रहे हैं देश कैसे प्रगति की तरफ बढ़ रहा है और देश में प्रोग्रेस हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। पहले हमें लोगों को रेलवे में काम करने के लिए हमारा बजट रफली 20,000-30,000 करोड़ होता था, अभी आप देखेंगे बढ़ते 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 अभी हम 252,000 करोड़ है इस साल का बजट। तो जैसे जैसे बजट बढ़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ता है। पहले हम लोग साल में 4 किलोमीटर पर डे करते थे, अब हम 15 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रेलवे ट्रैक बना रहे हैं। तो जैसे जैसे प्रगति होगा, काम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, देश की प्रगति बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। हम 11वें स्थान से 5वें पर आ गए हैं और इंफ्रा बढ़ेगा। लंबे समय से आप रेलवे में अपना योगदान दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि 2014 के बाद से रेलवे पहले के मुकाबले ज़्यादा तेज गति से काम हो रहा है? हाँ डेफिनेटली तेज गति से हो रहा है, बिकॉज पहले हमें प्रोजेक्ट्स के लिए फंड अलॉटमेंट श्योर नहीं होता था, कुछ लिमिटेड फंड्स मिलते थे तो आधे साल काम करने के बाद वो फंड्स ख़त्म हो जाते थे, तो फिर हम वेट करते थे अगले साल के बजट का। अभी हमें अश्योर्ड फंडिंग होती है प्रोजेक्ट की, उसके वजह से अभी प्रोग्रेस बढ़ गई है। पहले साल में हम 2,000 किलोमीटर 1,500 किलोमीटर करते थे, बैठते हैं। पिछले साल हमने 5,300 किलोमीटर किया और इस साल भी हम 5,000 से ज़्यादा करेंगे। और ये जो 5,000 किलोमीटर है ये कई देशों के पूरे नेटवर्क के बराबर है। आप देखें तो हम कई एक साल में इटली को ज्वाइन बना दे रहे हैं रेलवे में, जो कि पहले बहुत कम प्रोग्रेस होती थी। तो जो इस समय अगर बात करें, आप चूंकि मेंबर इंफ्रा हैं, आपसे मिलने का भी मौका कम मिलता है, तो अगर बात करें पूरे रेलवे की, तो एज अ मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्या देखते हैं कि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से विकसित हो रहा है, क्या प्लानिंग है, और देश के लोग कैसे समझें इसे कि रेलवे में क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर परिवर्तन हो रहा है, प्लानिंग क्या है? आप देखेंगे कि पहले रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बहुत धीमी गति से चलता था, उसका कारण होता था फंड्स अवेलेबिलिटी। अभी पिछले कुछ सालों से फंड्स अवेलेबिलिटी बढ़ गया है, स्पेशली जब रेलवे बजट सेंट्रल बजट में मर्ज हुआ, उसके बाद से जो कैपेक्स पहले होता था 25,000, 20,000, 35,000, वो कैपेक्स अगर हम देखें तो पिछले साल वो 2,40,000 करोड़ था, इस साल 252,000 करोड़ है। उस तो वो जैसे जैसे कैपेक्स बढ़ रहा है, अश्योर्ड फंडिंग बढ़ रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है। पहले हम 1,500-2,000 पर ईयर करते थे, अभी हम 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा करते हैं, जो एक स्विट्जरलैंड के नेटवर्क, इटली के नेटवर्क, साउथ अफ्रीका के नेटवर्क से ज़्यादा है। तो हम हर साल एक नेटवर्क ऐड कर दे रहे हैं। अगर आप देखें हमने इलेक्ट्रिफिकेशन, जो जितना जर्मनी का नेटवर्क है उतना हमने पिछले 10 साल में इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन अब कंप्लीशन की तरफ है, 99% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, उससे एनवायरनमेंट को के लिए अच्छा रहेगा। जो इंडियन रेलवे है वो 9 टाइम्स कम
पॉल्यूटिंग रेलवे है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है और 60% से ज्यादा सस्ता है। तो इस वजह से रेलवे का विकास बहुत जरूरी है अगर हमको देश में लॉजिस्टिक अरेंजमेंट प्रोवाइड करने हैं। तो लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स कब इम्प्रूव होंगे? जब हमारे पास ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधाएं हों। इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट और दूसरे कंट्रियों से थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हमारा रेल नेटवर्क का उतना विकास नहीं हुआ है। अब रेल नेटवर्क बहुत तेज़ी से चल रहा है और इस गति से चलेगा तो बहुत जल्दी हम देश की दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। अब रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड मेंबर से बेहतर कौन बताएगा कि आपकी नजर में प्रधानमंत्री का रेलवे को लेकर के विजन क्या है? क्या आपको पर्सनली फील हुआ क्योंकि आप लोगों की मीटिंग भी होती रहती? जो हमारा रेलवे है ये सर्विस सेक्टर है। हर सर्विस सेक्टर में कस्टमर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे कस्टमर्स हैं हमारे लोडिंग करने वाले और यात्रीगण। आप देखेंगे देश में रेलवे के विकास के लिए सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अब यात्री की तरफ देखें तो पहले यात्री स्टेशन पर आता है तो आपने देखा होगा स्टेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडियन रेलवे में लॉन्च किया है सरकार ने। और उस प्रोग्राम के तहत 1300 से ज़्यादा स्टेशन का ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। और मोदी जी ने अभी बहुत रिसेंटली उसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा था और सभी जगह पर काम शुरू हो गए हैं। उसके बाद पैसेंजर ट्रेन में जाता है तो आपने देखा है आज मेट्रो देख रहे हैं, मेट्रो अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पैसेंजर्स के लिए। वंदे भारत आपने देखा लगभग 90 के आसपास सर्विसेज ऑलरेडी चल रही हैं। अमृत भारत ट्रेन देखी आपने तो उसमें आप देखेंगे तो 2 ट्रेनें ऑलरेडी चल चुकी हैं, वो सभी इस यात्रियों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए। इसी देख रहे हैं कि एक मिनट इंटरप्ट करेंगे, ये एक और टनल पड़ी है, यही हमारा अंडर वाटर टनल है। अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ आप देखिए मछलियां और इसका फील देने की कोशिश की गई है कि जब आप यहां से गुजरें तो आपको लगे कि हाँ पानी के अंदर से जा रहे हैं। एक्चुअल में ये नॉर्मल है, यहाँ पर केवल पेंटिंग कराई गई। तो इस समय हम मौजूद हैं हुगली नदी यानी गंगा नदी के 16 मीटर नीचे और ये एक टनल है जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इस समय हमारे सर के ऊपर 16 मीटर ऊपर गंगा नदी बह रही है और उसके नीचे हम इस समय टनल में हैं। सर इस टनल के बारे में बताइए। इसको फील देने के लिए आप देखेंगे यहाँ थोड़ी पेंटिंग की गई है जिससे जब यहाँ से यात्री गुजरे हैं बच्चे लोग गुजरे हैं तो उन्हें फीलिंग भी आए कि हम पानी के नीचे से जा रहे हैं। तो ये टनल जैसा आपको बताया 520 मीटर लंबा है और इसमें 16 मीटर नीचे है रिवर बेड के और इसको पूरा कवर करने में अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज इसको 45 सेकेंड्स का टाइम लगता है। इसको केवल 66 दिनों में पूरा किया गया है। 2 ट्यूब हैं इसकी और दोनों को बनाने में 66 दिन का समय लगा, हालांकि तैयारी और प्लानिंग में काफ़ी समय लगा। इसमें लाइट का भी बंदोबस्त है? इसमें लाइट का आप देख रहे हैं थोड़ा लाइट है और इसमें लाइट एंड आपका वेंटिलेशन वो सभी अरेंजमेंट है। फायर सर आप ये जो देख रहे हैं लाल रंग का पाइप ये फायर अरेंजमेंट के लिए पाइप है, यानी लगे हुए हैं इसमें सुविधा के लिए। स्कैडा सिस्टम लगा हुआ है दोनों तरफ। स्कैडा सिस्टम मतलब कि इसके अंदर क्या हो रहा है वो सब मॉनिटर करने के लिए दोनों एंड पे एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है तो वहां पर सारी इसके अंदर की गतिविधियों टेम्परेचर एयर प्रेशर सभी को मॉनिटर किया जाता है। यानी 620 मीटर की ये टनल है और 520 मीटर की टनल है जिसके अंदर फायर के लिए भी व्यवस्था की गई है। और ये जो ऊपर सर दिख रहा है एक पाइप वो क्या है? वो वैक्यूम से रिलेटेड कुछ पाइप होगा। तो तमाम सुविधाएं हैं इसमें, कैमरे लगे हुए हैं मॉनिटर करने के लिए, अग्निरोधक व्यवस्था है और वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो कि टनल के लिए जरूरी हैं, टनल में सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। 45 सेकंड के भीतर ट्रेन इस टनल के भीतर से गुजर जाएगी। अभी हम चूंकि ये ट्रायल रन है और इनॉग्रेशन से पहले का समय है इसलिए ये इस समय ट्रेन धीरे चल रही है ताकि हम टनल के जो हिस्से हैं वो देख सकें। टनल के में
मछली, कछुआ और कुछ वनस्पति, इस तरीके के चित्र भी बनाए गए हैं ताकि एक फील आ सके। हालांकि ये फील जब ट्रेन धीरे चल रही है तभी मिलेगा, वरना काफी तेजी से ट्रेन गुजरेगी और आम जो यात्री हैं उनको कुछ रंग दिखाई देंगे, ये चित्र नहीं दिखाई देंगे जो पूरी टनल में बने हुए हैं। तो इंजीनियरिंग का ये बेमिसाल नमूना है। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी मेट्रो ट्रेन को पानी के भीतर से गुजारा गया हो, और कोई ट्रेन या मेट्रो ट्रेन ऐसी नहीं है जो कि पानी के भीतर से आई हो, नदी के नीचे से आई हो। देश की पहली टनल है जिसके भीतर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, और ये गंगा नदी के रिवर बेड से 16 मीटर नीचे है, यानी हमारे इस समय सर के 16 मीटर से 18 मीटर ऊपर गंगा नदी बह रही है। इस समय हम जिस मेट्रो रेल में हैं, ये मेट्रो रेल दिल्ली में नहीं बल्कि कोलकाता में है, और हम इस समय मौजूद हैं गंगा नदी यानी हुगली नदी के करीब 16 से 18 मीटर नीचे बने टनल के भीतर चल रही ट्रेन में। इस समय जो मेट्रो रेल चल रही है वो टनल के भीतर है, और टनल हुगली नदी के रिवर बेड से 16 मीटर नीचे बनी है। तो आप बाहर का दृश्य इस समय इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि जो ट्रेन है वो ट्रायल रन में है और धीमे चल रही है, इसलिए बाहर का दृश्य हम आपको दिखा पा रहे हैं। ये टनल में बने हुए जो चित्र हैं आप देख पा रहे हैं, कहीं शार्क बनी है, कहीं वेल बनी है, कहीं छोटी मछलियां बनी हैं, वनस्पति है, कछुए हैं, इस तरीके के दृश्य बने हैं ताकि एक फील आ सके कि हम नदी के इस समय नीचे चल रहे हैं। हालांकि जब आम तौर पर ये ट्रेन कल से चलेगी तो इतनी स्पीड से चलेगी कि सिर्फ 45 सेकंड में ये 520 मीटर की टनल पार हो जाएगी, और ये जो चित्र हैं ये एक रंग के रूप में ही यात्रियों को दिखाई पड़ सकते हैं। चूंकि टनल के अंदर लाइट भी लगी हुई है इसलिए ये कुछ रंग दिखाई पड़ेंगे। टनल के भीतर वो सारी सुविधाएं हैं जो टनल के लिए ज़रूरी हैं, सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। आग अगर लग जाती है तो अग्निशमन की पूरी व्यवस्था है, और वैक्यूम से रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट लगे हैं, साथ ही साथ जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो पूरी टनल में लगे हुए हैं। और अब हम आपको दिखाएं कि जो मेट्रो ट्रेन है वो कैसी है। तो जैसी दिल्ली की मेट्रो ट्रेनें हैं लगभग पूरी तरह वैसी ही यहाँ पर मेट्रो ट्रेन है। ये कुछ खड़े होकर के जो हैंडल पकड़ने की चीज़ें हैं, ये हैंडल्स ज़्यादा लगे हुए हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है कमोबेश, और जो सीटें हैं वो लगभग दिल्ली मेट्रो जैसी ही हैं। और यहाँ पर इसको पूरी तरीके से सजाया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण कर रहे हैं। लोकार्पण से पहले इस नई मेट्रो रेल को, कोलकाता मेट्रो रेल को सजाया गया है। और हम आपको बता दें कि एकमात्र देश में एकमात्र मेट्रो है जो भारतीय रेल के अंतर्गत आती है, वो है कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो काफ़ी पहले से चल रही है, और सबसे पहले देश में मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में हुई, और ये भारतीय रेल ने ये मेट्रो शुरू की, और आज भी दिल्ली और अन्य जगहों पर मेट्रो जो चलती है वो भारतीय रेल के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन सिर्फ कोलकाता की जो मेट्रो रेल है वो भारतीय रेल के अंतर्गत आती है। इस समय हम एक स्टेशन पर पहुंच गए हैं, यानी ये हावड़ा मैदान स्टेशन है। यहाँ आप देखिए हावड़ा मैदान स्टेशन पर हम पहुँच गए हैं, यानी एस्प्लेनेड से हम चले थे, और एस्प्लेनेड से चलने के बाद हम महाकरण पहुँचे, महाकरण के बाद हावड़ा मेट्रो स्टेशन पहुँचे, और उसके बाद हावड़ा मैदान मेट्रो में हम आ गए हैं, और ये फाइनल डेस्टिनेशन है, यहाँ तक मेट्रो को आना है। और यहाँ पर हम इस समय पहुँच चुके हैं, और ये जो सेक्शन है आप देख रहे हैं एस्प्लेनेड से लेकर के हावड़ा मैदान मेट्रो तक, ये इतना बड़ा जो सेक्शन है जिसमें चार स्टेशन आते हैं, ये ही नए बने हुए हैं, और प्रधानमंत्री इसी सेक्शन को लोकार्पित कर रहे हैं। इसमें ये सारे जो मेट्रो स्टेशन हैं ये नए बने हैं, और एस्प्लेनेड से लेकर के महाकरण के बीच में
हुगली नदी पड़ती है और हुगली नदी से नीचे 16 मीटर नीचे ये टनल बनी है जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक देश के लिए गर्व का क्षण है जब पहली बार देश में गंगा नदी के नीचे या किसी नदी के नीचे टनल बनी है और उसमें रेल गुजर रही है। वो जो इंजीनियर हैं, जो इसमें काम करने वाले अन्य मजदूर हैं, उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये काम देश के लिए किया और देश के लिए और देश को एक गौरव का क्षण दिया। इस समय हम हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन पर हैं और आप देखिए हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन से ये मेट्रो ट्रेन चली है और स्प्लेनेट की ओर जा रही है। ये हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन है और हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन से जब ट्रेन चली तो फिर एक टनल में आ गई और एक टनल से होते हुए फिर आगे ये बढ़ रही है और पहुंचेगी सबसे पहले हावड़ा मेट्रो स्टेशन और फिर हावड़ा मेट्रो स्टेशन से ये महाकरण पहुंचेगी और महाकरण के बाद ये उस टनल में होगी जो कि गंगा नदी के नीचे यानी हुगली नदी के नीचे बनाई गई है और उसके बाद एस्प्लेनेड पहुंचेगी। तो इस तरीके से पहले हम एस्प्लेनेड से होकर के हावड़ा मैदान मेट्रो तक पहुंचे और अब हावड़ा मैदान मेट्रो से वापस एस्प्लेनेड की ओर जा रहे हैं और इस समय इस स्थान पर हैं। आगे हावड़ा मेट्रो पड़ेगा, फिर महाकरण पड़ेगा और महाकरण के बाद शुरू हो जाएगी वो टनल जिसमें से जब हम गुजरेंगे तो हमारे ऊपर गंगा नदी होगी, 16 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर गंगा नदी होगी। तो ये सेक्शन है जिसके बीच में हुगली नदी आती है, हुगली नदी यानी गंगा नदी, और उसके 16 मीटर उसके रिवर बेड से 16 मीटर नीचे इसी स्थान पर टनल बनाई गई है और उस टनल से होकर के ये ट्रेन गुजरती है। अब इस ट्रेन के बारे में बता दें, ये जो मेट्रो ट्रेन है ये नई मेट्रो ट्रेन है, दिल्ली मेट्रो ट्रेन जैसी है, थोड़ा सा आकार आदि में थोड़ा सा चीज़ों में फ़र्क है। यहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है और इसके अलावा यहाँ पर ये पकड़ने के लिए हैंडल बनी हुई है, यहाँ पावर प्लग या प्लग दिया हुआ है, यहाँ पर आप चार्जिंग प्लग कहिए इसे, यहाँ भी है और दूसरी तरफ भी चार्जिंग प्लग है, दो दो चार्जिंग प्लग है यानी दो लोग यहाँ बैठ करके चार्ज कर सकते हैं या कोई वहाँ से दूसरी जगह से आकर के यहाँ खड़ा होकर के चार्ज कर सकता है। यहाँ पर कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और ये इमरजेंसी जो द्वार खोलने का जगह है, ये इमरजेंसी बटन है, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, प्लास्टिक का है और उसको खोला जा सकता है जिससे दरवाजे खुल जाएंगे। दरवाजे ऑटोमेटिक जैसे कि होते हैं मेट्रो के, वैसे ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, लेकिन इसको इमरजेंसी में यहाँ से खोला जा सकता है। और बाकी जो हिस्से हैं वो दिल्ली मेट्रो की तरह हैं, यहाँ पर जो अन्य सुविधाएं होती हैं कॉलिंग की, यहाँ पर कॉलिंग की सुविधा भी है, यहाँ पर बटन दबा करके जो पायलट है उनसे बात किया जा सकता है, इमरजेंसी नंबर दिए हुए हैं यहाँ, इमरजेंसी नंबर के अलावा जो दिल्ली मेट्रो में अन्य सुविधाएं हैं अलार्म की या धूम्रपान अगर किसी तरीके से कोई करता है तो उसकी भी कॉल चली जाएगी, सायरन बज जाएगा, यहाँ पर इन सब की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अगर आप डिस्प्ले देखें तो एक सुंदर डिस्प्ले भी बना हुआ है। इसमें हम आपको बता दें कि ये जो ट्रेन है ये फाइनली हावड़ा मेट्रो से शुरू होकर के और स्प्लेनेड होते हुए साल्ट लेक तक जाएगी। साल्ट लेक में ही साल्ट लेक स्टेडियम भी है और साल्ट लेक से ही पास में एयरपोर्ट भी है। तो अगर आपको हावड़ा आना है और एयरपोर्ट पर आप उतरे हैं तो एयरपोर्ट से आप सीधे साल्ट लेक से मेट्रो ले सकते हैं और मेट्रो लेकर के आप सीधे हावड़ा पहुंच सकते हैं। तो ये बीच में जो स्टेशन पड़ते हैं उनका भी नाम ले देते हैं। आप एयरपोर्ट से उतरेंगे, साल्ट लेक से मेट्रो लेंगे, करुणा मई मेट्रो स्टेशन, फिर सेंट्रल पार्क मेट्रो स्टेशन, फिर सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, फिर बंगाल केमिकल, साल्ट लेक स्टेडियम, फूल बागान, सियालदह मेट्रो स्टेशन, एस्प्लेनेड, महाकरण, हावड़ा मेट्रो स्टेशन और फिर हावड़ा मैदान मेट्रो। ये सफ़र है, लेकिन इस सफ़र में
ये हिस्सा जो है ये नया है, यानी एस्प्लेनेड से लेकर के महाकरण होते हुए हावड़ा मेट्रो और हावड़ा मैदान मेट्रो तक का जो सफर है वो नया है। और इस तरीके से ये हिस्सा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पित कर रहे हैं। इस समय हम जब एस्प्लेनेड की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि टनल में से हम गुजर रहे हैं, और ऐसी ही एक टनल अंतिम स्टेशन पर पड़ती है, यानी एस्प्लेनेड से पहले महाकरण और एस्प्लेनेड के बीच में जो टनल है उस टनल में है। लेकिन उस टनल की भी पहचान है, पहचान ये है कि उसमें मछलियां बनी हुई हैं, चित्र बने हुए हैं। इस जिस टनल से हम इस समय गुजर रहे हैं वो टनल गंगा नदी के नीचे वाली टनल नहीं है। इसकी पहचान ये है कि इसमें चित्र नहीं बने हुए हैं। और ये हम बता दें कि जो महाकरण से लेकर के एस्प्लेनेड के बीच का हिस्सा है, सिर्फ उसमें जो टनल है वो गंगा नदी के नीचे वाली टनल है, लेकिन ये पूरा सेक्शन ही अंडरग्राउंड है। यानी एस्प्लेनेड से लेकर के हावड़ा मैदान मेट्रो तक का जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा अंडरग्राउंड है। ये बात अलग है कि एस्प्लेनेड से महाकरण के बीच में जो टनल है वो गंगा नदी के नीचे है, लेकिन बाकी का जो हिस्सा है वो भी टनल के माध्यम से ही है। पूरी की पूरी जो ये रेलवे मेट्रो रेल लाइन है ये टनल के भीतर है। अब देखिए ये नया मेट्रो स्टेशन आ गया, और ये हम देख रहे हैं एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन आ गया हम बात करते हुए, और कब 45 सेकंड के भीतर जो गंगा नदी के भीतर का की टनल है वो बीत गई और पता भी नहीं लगा, क्योंकि काफ़ी तेज गति से ये मेट्रो स्टेशन चल रही थी। और अब हम एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं, और वहां से फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो बीच में चार मेट्रो स्टेशन बने हैं उनमें से एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन कैसा बना है, इसकी भी आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन जो नया सेक्शन है उसमें एस्प्लेनेड, महाकरण, हावड़ा मेट्रो स्टेशन और हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन नया बना है, और नए मेट्रो स्टेशन के साथ साथ ये नई मेट्रो भी इस सेक्शन पर चलाई जा रही है, जिसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो आप अलग अलग शहरों की मेट्रो में देखते होंगे। लेकिन ये मेट्रो खास है क्योंकि देश की सबसे पुरानी जो मेट्रो है वो कोलकाता की ही मेट्रो है, और उस मेट्रो में ये इजाफा हुआ है चार स्टेशनों का। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के डिप्टी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारे साथ हैं। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए, और हम लोग इस समय किस खास टनल से होकर गुजर रहे हैं, कहाँ हैं, ये सारी बात बता दीजिए। मेरा नाम जीपी हल्दार, डिप्टी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। हम लोग अभी जस्ट गंगा का नीचे से क्रॉस कर रहा हूँ, जो ब्लू लाइट है ना, ये ब्लू लाइट गंगा का नीचे में हम लोग लगाया, और इस वॉल में देखिए कुछ हम लोग पेंटिंग किया, पानी का पेंटिंग वेंटिंग किया है। तो इस समय हम लोग कोलकाता में हैं, कोलकाता में हुगली नदी के 100 मीटर नीचे, यानी हुगली नदी की जो अपर लेवल है पानी का उससे 100 मीटर नीचे है। 100 मीटर नहीं है, एक्चुअली 13 मीटर है वाटर लेवल है, और उसके नीचे 16 मीटर है, 39 मीटर नीचे में हम लोग हमारा टनल है। यानी कुल कितना मीटर नीचे है हम लोग पानी के अपर लेवल से? पानी के अपर लेवल से हम लोग 100 मीटर नीचे है, 100 फीट है नीचे है। 100 फीट, हाँ हमसे गलती हुई, हम मीटर बोल रहे हैं, 100 फीट नीचे है। यानी लगभग 16 मीटर से ज्यादा हम लोग नीचे। अभी जीएम से मना कर रहे हैं। और इस समय हम लोग कहाँ से कहाँ को जा रहे हैं, अगला स्टेशन कौन सा है? अभी हम लोग महाकरण जा रहा है, महाकरण। तो इस तरीके से ये ट्रेन वो ट्रेन है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका लोकार्पण कर रहे हैं, और ये टनल वो टनल है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण कर रहे हैं। ये वही टनल है जो गंगा नदी के नीचे बनी है, लेकिन उसका उतना हिस्सा जितने में नीली लाइट जल रही थी वो गंगा नदी के नीचे थी, बाकी का जो टनल का हिस्सा है वो रेलवे का जो अन्य हिस्सा है उसमें है। जो पूरा सेक्शन है चार मेट्रो स्टेशन का, हावड़ा से लेकर के और एस्प्लेनेड तक का,
वो टनल के माध्यम से बना है, यानी पूरा का पूरा नया सेक्शन जिसे प्रधानमंत्री लोकार्पित कर रहे हैं वो अंडरग्राउंड है और टनल के माध्यम से बनाया गया है, और सारे जो मेट्रो स्टेशन हैं वो भी अंडरग्राउंड हैं। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, कोलकाता।